नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दुनिया में अभी तीन सबसे अच्छे और सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक एयरक्राफ्ट कैरियर युद्ध में संलग्न होने के लिए सुसज्जित एकमात्र बड़ा जहाज नहीं है। दुनिया भर में कभी न खत्म होने वाले क्षेत्रीय विवादों के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रतीक है। ये नए युद्धपोत सभी देशों के युद्ध सामग्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों में से एक रहे हैं। अपनी स्थापना के बाद से इन जहाजों ने कई देशों की रक्षा प्रणाली में भारी बदलाव किया है। नंबर तीन, क्वीन एलिजाबेथ क्लास, यूके ब्रिटेन रॉयल नेवी का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ब्रिटिश नौसेना के लिए अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत रॉयल नेवी के दो महारानी एलिजाबेथ वर्ग के एयरक्राफ्ट कैरियर में से HMS क्वीन एलिजाबेथ को दिसंबर 2017 में कमीशन किया गया था, जबकि HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को दिसंबर 2017 में लॉन्च किया गया था और दिसंबर 2019 में कमीशन किया गया था। दोनों जहाजों का विस्थापन लगभग 65,000 टन और चौड़ाई 280 मीटर है। छोटा 40 कॉम्पैक्ट और फिक्स्ड विंग अलग अलग सवार हो सकते हैं। वे 36 F-35B और 4 मर्लिन हेलीकॉप्टर पर सवार हो सकते हैं। नवीनतम तकनीक और पहुंच की विशेषताएं, इन जहाजों को युद्ध संचालन के लिए केवल 679 के चालक दल की आवश्यकता है। नंबर दो, अमेरिकी नौसेना के 10 निमित्त श्रेणी के परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। वे निश्चित रूप से सबसे अच्छी नस्लों में से एक हैं और ऐसे युद्धपोतों के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं को प्रदर्शित करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अमेरिकी प्रशांत बेड़े के कमांडर फ्लीट एडमिरल चेस्टर W. निमित्स के नाम पर इस वर्ग के प्रमुख जहाज USS निमित्स को मई 1975 में लॉन्च किया गया था और पाठ्यक्रम के 10वें और अंतिम USS जॉर्ज H.W. बुश को जनवरी 2009 में कमीशन किया गया था। 97,000 के कुल भार विस्थापन के साथ इन 332.8 m लंबे एयरक्राफ्ट कैरियर में 5 एकड़ का फ्लाइट डेक है, जो 60 से अधिक विमानों को ले जाने में सक्षम है। ये जहाज 3,000 से 3,200 जहाज कंपनी, 1,500 एयर विंग्स और 500 अन्य चालक दल को 2 परमाणु रिएक्टरों द्वारा संचालित कर सकते हैं और 30 KT से अधिक की गति तक पहुंच सकते हैं। इनका निर्माण 1968 में किया गया था और 1972 में लॉन्च किया गया था। नंबर एक, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर खिताब अमेरिकी नौसेना के जेराल्ड R-4 क्लास युद्धपोतों का है। इस वर्ग का पहला कैरियर USS गेराल्ड R-4 मई 2017 में कमीशन किया गया था और इस वर्ग के 4 शेष घोषित जहाज निर्माणाधीन हैं। गेराल्ड R-4 जो वर्तमान में सेवा में सक्रिय है, 78 मीटर के बीम के साथ 337 मीटर लंबा है। जहाजों में 1,00,000 टन का कुल भार विस्थापन होता है और इसकी 78 मीटर उड़ान डेक में विद्युत चुंबकीय विमान प्रक्षेपण प्रणाली और उन्नत गिरफ्तार करने वाले गियर होते हैं। USS गेराल्ड R-4 75 से अधिक विमान ले जा सकता है और कुल 4,539 कर्मियों को समायोजित कर सकता है। यह 2 परमाणु रिएक्टरों द्वारा संचालित है और इसमें रिम 162 विकसित सी स्पैरो मिसाइल, एयरफ्रेम मिसाइल या रामस और फालानक्स क्लोजेन वेपन सिस्टम या CIWS है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।